हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये देखिए, ये हमारे पास पुराने ब्लैंकेट हैं क्योंकि सर्दियाँ जा चुकी हैं और अब हमें इन्हें ऑर्गेनाइज करके रखना है जिससे हमारी जगह भी कम घिरे और ये देखने में भी अच्छे लगे। तो इसके लिए आपके पास कोई भी पेटीकोट हो पुराना, जैसे सिमर का या स्नील का या फिर साटन का, तो ये मेरे पास साटन का पेटीकोट है जिसे मैंने उल्टा करके इस तरफ से नाड़ी की तरफ से इसमें इस तरह से नोट बांध लिए अच्छे से। तो आप इस तरह से अपने पेटीकोट में नोट बांध लें इस तरह से, और अब हम इसे इस तरह से करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें करना है। ये जो हमारी गांठ है ऊपर की तरफ रहेगी। और अब हम ये ब्लैंकेट लेंगे, ये हमारे पास डबल बेड का ब्लैंकेट है पतला वाला। तो आपके पास भी इस तरह से ब्लैंकेट हो तो आप उसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं इस तरह से, और ज़रूरत पड़ने पर उसे निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह से हम रोल बना देंगे, इसे इस तरह से लपेटेंगे और इसे पूरे को रोल बनाते जाएंगे अच्छे से। और अगर ये मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और अब मैंने पेटीकोट को इस तरह से कर दिया और इसके ऊपर मैंने इस रोल को इस तरह से रख दिया है। ये देखिए, पीछे का पार्ट है ये हमारा, और ये गांठ को हमने इस तरीके से निकाल लिया है ऊपर की तरफ, और इस गांठ को हम सेंटर में रखेंगे नीचे वाली को, और इस तरह से इसे इकट्ठा कर लेंगे बॉटम की तरफ से पेटीकोट को इस तरह से। तो नोट को हमें सेंटर में रखना है, ये देखिए आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें रबड़ बैंड लगा देंगे। आप कोई भी आपके पास नाड़ा हो पतला सा या रबड़ बैंड हो, आप कुछ भी लास्टिक भी इसमें इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने लास्टिक को लगा दिया है और अब हम इसे इस तरह से इकट्ठा करेंगे और बीच में इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर एक बार और रबड़ बैंड या लास्टिक लगा देंगे। तो ये देखिए, हमारा कितना प्यारा गोल कुशन कवर रेडी हो गया है। और आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसे निकाल भी सकते हैं और दोबारा से इसे इस तरह से रख भी सकते हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और उसके बाद हमारा दूसरा आइडिया देखिए, ये भी हमारे पास ब्लैंकेट है डबल बेड का, इसे हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया है इस तरह से और इसे अच्छे से मिलाते हुए फोल्ड करने के बाद हम इसे इस तरह से रोल करेंगे पूरे को। और इसके बाद आपके पास कोई भी दुपट्टा हो जो आप यूज़ ना करते हो या आपको कम अच्छा लगता हो, तो उस दुपट्टे का आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से सिंगल करके अपने दुपट्टे को फैला लें और इसे एक तरफ रखना है हमें इस तरह से, और दुपट्टे के सेंटर में रखते हुए हमें फोल्ड कर लेना है। ध्यान रहे कि सेंटर में होना चाहिए, दोनों तरफ से दुपट्टा बाहर की तरफ निकला हुआ होना चाहिए। और इस तरह से हम इस पे से लपेट देंगे और साइड से हम अपने दुपट्टे को इस तरह से इकट्ठा करेंगे। और इसमें यहाँ पर रबड़ बैंड या आप कोई स्ट्रिप ले सकते हैं, ये मेरे पास डोरी थी जिसे मैं यहाँ पर बांध दूंगी। सेम तरीके से दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही अपने दुपट्टे को इकट्ठा करके डोरी से बांध देंगे। आप प्लास्टिक रबड़ बैंड किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इधर से भी इसे बांध दिया है, ये देखिए। और हमारा कितना प्यारा गोल कुशन बन के रेडी हो गया है। आप भी इसे अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं और ये देखने में भी अच्छा लगेगा और स्पेस भी कम घेरेगा, क्योंकि यदि हम अपने ब्लैंकेटों को इकट्ठा करके रखते तो उसमें जगह ज़्यादा घिरती। अब ये हमारा थर्ड आइडिया है, इसमें भी हमने अपने सिंगल बेड के ब्लैंकेट के कवर को लिया है। ये हमारे पास कवर है, सिंगल बेड की रजाई में भी आप यूज़ कर सकते हैं इसे।
और ब्लैंकेट में भी सिंगल बेड के। तो हमारे पास एक गर्म कवर है, इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है ट्रायंगल शेप में, और फिर हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमारा तिकोना है, जिस तरह से समोसा होता है सेम उसी शेप में हमें इसे फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और बाकी का जो ये बचा हुआ है इसे हम इसके अंदर इस तरह से कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी शेप बन के रेडी हो गई है। और इसके लिए भी हम एक पुराना दुपट्टा लेंगे, ये हमारे पास कॉटन का पुराना दुपट्टा है, इसे हमने आधा फोल्ड कर लिया है। ये हमारे पास फुल अर्ज का दुपट्टा है, तो इसके लिए बड़े दुपट्टे की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी चौड़ाई अच्छी हो। और इसे हम इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे, इसी शेप में हमें इसे रखना है इस तरह से। और इसमें हम एक रबड़ बैंड लगा लेंगे, और आप चाहे तो इसमें डोरी भी बांध सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डोरी बांध दी है इस तरह से, और इस कपड़े को हम इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे और इसे लपेट लेंगे इस तरह से, और बीच से निकाल लेंगे अच्छे से इस तरह से। और आप चाहे तो इस पर कोई कपड़ा भी इस तरह से लगा के रबड़ बैंड से इसे कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे नहीं लगा रही हूँ, मैं इसे ऐसे रहने दूंगी। और इसके ऊपर ये हमारे पास गोटा है जिसे मैंने फोर लेयर में कर लिया है इस तरह से, और इसके ऊपर इस तरह से इसे लपेट दूंगी जिससे ये हमारी नोट खुलेगी नहीं। और इस तरह से मैंने इसे इस पर बांध दिया अच्छे से, और आप चाहे तो इसे अंदर की तरफ भी कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, अब ये हमारा फोर्थ आइडिया है। इसके लिए मैंने हल्का वाला ब्लैंकेट लिया है सिंगल बेड का, उसे मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। और आपके पास कोई भी कुशन कवर हो तो आप इस तरह से उसके अंदर इसे डाल दें, और अपने इसके अंदर आप अपना स्टॉल भी डाल सकते हैं। जो वूलन के मोटे मोटे स्टॉल होते हैं, शॉल होते हैं, उन्हें भी आप ऑर्गेनाइज करके इस तरह से रख सकते हैं। उसे पीछे से पिन अप कर दें या अटैच कर दें सुई से। और इसके बाद मैंने ये बेल्ट लिया, आपके पास बच्चों की बेल्ट रखी होगी, कोई भी बेल्ट ले सकते हैं आप। तो मेरे पास ये बच्चों की बेल्ट थी, और आप चाहे तो इसे ना भी लगाएं, इस तरह से इसके सेंटर में लगाएंगे इसके अंदर डालते हुए, और इसे इस तरह से खींच देंगे, और इसे यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं, चाहे तो इसके अंदर इस तरह से डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा कैंडी कुशन कवर भी रेडी हो गया है। तो इस तरह से ये देखिए, हमने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करें। ये आपकी जगह भी कम घेरेंगे और देखने में भी अच्छे लगेंगे, और आपकी चीज़ें भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।